Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain, your maths teacher. Now let's do question number 12 of exercise 3.2 and we have fill in the blanks. Ab ye fill in the blanks karne hain. Sabse pehle hai a number which has only two factors is called. Ek number jiske sirf do hi factors hote hain wo kya kehlate hain? Wo kya kehlate hain? वो होते हैं प्राइम नंबर्स. क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है एंड द नंबर इटसेल्फ. सो दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट है अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड. वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक तो वन और नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट सी है वन इज नीदर डैश नॉर डैश. वन ना तो ये है ना ही डैश ना ही ये है. तो सबसे पहले देखो नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, ठीक है ना. वन के बाद आता है टू थ्री फोर. अब देखो टू हमारे पास प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फोर कंपोजिट नंबर है. तो यानी कि वन ही एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही हम इसे कंपोजिट में कंसीडर करते हैं. सो वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. सबसे छोटा प्राइम नंबर अभी हमने किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? टू. ओके, सो टू. नाउ मूविंग टू द अदर. नाउ द ई पार्ट सेज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अगर हम वन टू थ्री फोर, तो वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, टू ना हमारा प्राइम नंबर है, थ्री हमारा प्राइम नंबर है, फोर हमारा कंपोजिट नंबर है. तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा हुआ? फोर. ओके, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर फोर. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. सबसे छोटा इवन नंबर सभी को पता है टू है. ओके, क्योंकि छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं. सो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कमेंट मी. एंड यस बेटा जी, आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम आपने एक्सरसाइज कंप्लीट किए या नहीं किए, क्वेश्चन किया है नहीं नहीं किया. तो आप क्या करें, आप चैनल में जाइए, मैथ्स फितूर खोलिए, ठीक है. मैथ्स फितूर जब आप खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे ऊपर टॉप पे, प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन नजर आएगा. प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की, सारी एक्सरसाइज की, सारे मतलब प्लेलिस्ट में जैसे सपोज चैप्टर थ्री लिखा होगा, चैप्टर थ्री पे जब क्लिक करेंगे तो चैप्टर थ्री के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है. तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़ा, बट अगर कोई छूट गया गलती से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. टिल देन, बाय बाय.